Hey everybody, Varun here from Language Academy. Guys, welcome back to another video. This video, we are going to look at Read Aloud Revision Series. This video is going to be in Hindi and English version of this video is already out. If you wish, you can watch that as well. The link is in the description box. भाई ये वीडियो हिंदी में होगा, पीटी रीड अलाउड के बारे में एक एक चीज जो भी आपको जानने की जरूरत है शुरू से लेके एंड तक मैं आपको बताऊंगा और ट्राई करूंगा थोड़ी शॉर्ट रखूँ सो दैट आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। पहली बात, रीड अलाउड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि ये स्पीकिंग के साथ साथ रीडिंग में भी बहुत ज्यादा नंबर देता है और रीडिंग खुद एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें नंबर लेने थोड़े मुश्किल होते हैं। तो अगर आप रीडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, रीड अलाउड को परफेक्ट करना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, आपको 5, 6 या 7 रीड अलाउड आएंगे एग्जाम में और एक ये इजी और स्कोरिंग टास्क है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है रीड अलाउड में, इस चीज का ध्यान रखना। रीड अलाउड में करना क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट या पैसेज होगा 60 वर्ड्स तक का, आपको 35 सेकेंड्स दिए जाएंगे। 35 सेकेंड्स के बाद आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी और आपको अपना आंसर जो भी पैसेज स्क्रीन पे लिखा है वो रीड करके रिकॉर्ड करना है एंड देन यू सबमिटेड। ठीक है, सुनने में बहुत इजी लगता है लेकिन बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं बच्चों की। पीटी में अगर आपने स्कोर लेना या पीटी पास करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये समझें कि पीटी में स्कोरिंग कैसे होती है। पीटी एक कंप्यूटराइज टेस्ट है, कोई भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि स्कोरिंग कैसे होती है। अब पीटी की स्कोरिंग होती कैसे है, स्पेशली स्पीकिंग के 3 पैरामीटर्स, फ्लुएंसी, प्रोनंसिएशन और कॉन्टेंट। फ्लुएंसी का मतलब है फ्लो, फ्लुएंसी का मतलब स्पीड नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि तेज बोलने से फ्लुएंसी में ज्यादा नंबर आएंगे। फ्लुएंसी इज मोर अबाउट योर फ्लो, आपको मेक श्योर करना है कि आप एक नेचुरल फ्लो में बोलें, एक एक वर्ड करके मत बोलें, बहुत ज्यादा तेज भी मत बोलें, बहुत ज्यादा स्लो भी मत बोलें। किसी भी तरह के अननेचुरल, बोल रहा हूँ अननेचुरल पॉजेज अवॉइड करें, हेजिटेशन अवॉइड करें, लेकिन नेचुरल पॉजेज जो कि कॉमा पे, फुल स्टॉप पे, कनेक्टर पे, सेंटेंस खत्म होने पे आपको लेने, आप बिल्कुल ले सकते हो। मैं आपको अभी रीड आउट करके भी दिखाऊंगा। सो फ्लुएंसी एक मॉडरेट पेस पे बोलना है, नेचुरल पॉजेज लेने हैं, हेजिटेशन और अननेचुरल पॉजेज आपको अवॉइड करने हैं। सेकेंड आगे प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन होगी आपकी क्लैरिटी इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स को स्पीक करने में क्लैरिटी। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ड आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप उसको कितना एक्यूरेटली बोल रहे हो उस बेसिस पे प्रोनाउंसिएशन आपके स्कोर की जाएगी। प्रोनाउंसिएशन इज बेसिकली योर क्लैरिटी कि आपको कितने सही तरीके से वर्ड को प्रोनाउंस करना या बोलना आता है। थर्ड इज ये कॉन्टेंट, कॉन्टेंट क्या है, जितने वर्ड्स आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, जितने वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, आप उनको सही तरीके से पढ़ रहे हैं या नहीं। सो कॉन्टेंट एंड प्रोनाउंसिएशन आर काइंड ऑफ सिमिलर बट नॉट सेम। मेन चीज है आपकी क्लैरिटी और फ्लो, आपको बहुत तेज नहीं जाना है, बहुत स्लो नहीं जाना है, एक नॉर्मल पेस पे बोलना है और क्लैरिटी मेंटेन रखनी है। ये चीजों का ध्यान रखोगे तो 120% यू विल बी फाइन। मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको रीड करके दिखाता हूँ कि मैं कैसे रीड करता हूँ, जितनी भी बार मेरे 90 आए हैं, स्टूडेंट्स को कैसे एडवाइस किया जाता है कि आपको कैसे रीड करना है। स्क्रीन शेयर करता हूँ, देखो ध्यान से, कोई भी डाउट है कॉमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। ये आपकी स्क्रीन है, इस तरह से कुछ आपकी स्क्रीन लगेगी। ये languageacademy.com.au है, फ्री पोर्टल है, आप जाके रजिस्टर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। LAPT एग्जाम प्रैक्टिस, ये ऐप का नाम है, ऐप बहुत जल्दी आ रही है, प्रॉब्ली जब आप ये वीडियो देख रहे हो ऐप लॉन्च होगी होगी, आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पे जाके भी देख सकते हैं। अब आपके पास 35 सेकेंड्स होते हैं तैयारी करने के लिए। इन 35 सेकेंड्स में आपने टेक्स्ट को एग्जैक्टली उसी तरीके से पढ़ना है जैसे कि आप रिकॉर्डिंग में पढ़ेंगे। Once you have picked a journal topic for your paper, you need to come up with a thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it is the position you will take on your particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do to ace your paper. Easy रखना है, आप अपने आप को जितना comfortable रखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। बच्चे इतना तेज बोलते हैं सांस ही नहीं आता, clarity सारी खराब कर लेते हैं। Once you have picked a journal topic for your paper, you need to come up with the thesis. Your thesis is the main and focal point of your paper, and it is the position you will take on your particular topic. Formulating a strong thesis is one of the most important things you need to do to ace your paper. That's it. जैसे ही आपके आपको 35 seconds मिलेंगे record करने के लिए, लेकिन let's say कि आपने 15 second में record कर दिया, 16 second में record कर दिया, आपको wait करने की जरूरत नहीं है, साथ के साथ आपको next करना है। मैंने अभी माइक्रोफोन अटैच नहीं किया तो सबमिट करूंगा, स्कोर नहीं आएगा, बट आप कोई भी टास्क प्रैक्टिस करके सबमिट करेंगे,
साथ के साथ आपको स्कोर आएगा। आप दूसरों के आंसर्स भी कंपेयर कर सकते हैं, उनके आंसर सुन भी सकते हैं, उनका स्कोर भी देख सकते हैं। जैसे इस स्टूडेंट ने किया है, उसके चार कंटेंट में, चार फ्लुएंसी में, चार प्रोनाउंसिएशन में, अगर आपके पांच में से चार आ रहे हैं तो दिस इज अ फाइन स्कोर, आपका एग्जाम में स्कोर आ जाएगा। तो ओवरऑल 15 में से 12 नंबर आने चाहिए। इस स्टूडेंट को जो रेड वाले वर्ड्स हैं इनकी क्लैरिटी पे वर्क करने की जरूरत है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। अब एक और डाउट आता है बच्चों का कि जब हमारे को वर्ड्स आते हैं, जैसे कि जस्ट गिव मी वन सेकेंड, मैं आपको शो करता हूँ। कोई भी वर्ड आ रहा है जहां लिखा है इजेंट, तो इसको इज नॉट पढ़ना या इजेंट, आपको रीड अलाउड में हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ना। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स जो स्पोकन इंग्लिश हम डेली यूसेज में एक इंग्लिश स्पीकर या नेटिव स्पीकर बोलता है, इजेंट हम स्पोकन लैंग्वेज में बोलते हैं। तो आपको इज नॉट बोलने की जरूरत नहीं है, आप इजेंट ही बोल सकते हो, डोंट ही बोल सकते हो, डजेंट ही बोल सकते हो। बट कई बार आपको शॉर्ट फॉर्म आती है, जैसे फॉर इजी नाम की स्पोकन इंग्लिश में कोई चीज नहीं है, तो आप इसको फुल फॉर्म में ही बोलेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल। तो इन चीजों का ध्यान रखना। कोई ईयर आ रहा है जैसे कि 1996, तो आप इसको 1996 नहीं बोलेंगे, 1996 बोलेंगे, 2001 बोलेंगे। तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चीजों को पढ़ने की जरूरत है। बहुत तेज नहीं जाना, बहुत स्लो नहीं जाना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते हैं, वंस यू हैव पिक्ड अ जनरल टॉपिक फॉर अ पेपर यू कैन नीड टू कम अवे द थीसिस, योर थीसिस इज द मेन। भाई ये चीजें आपको समझ आ रही है बट कंप्यूटर को समझ नहीं आ रही है। आपकी ड्यूटी क्या है, आपने कंप्यूटर की जॉब इजी करनी है, आपने कंप्यूटर को बताना है कि भाई तूने ये 10 वर्ड मेरे को बोलने को बोले हैं, मैं इनको क्लियरली बोल रहा हूँ। अगर आप बहुत तेज बोलते हैं, गूगल असिस्टेंट भी यूज करते हैं या सीरी यूज करते हैं अपने आईफोन में, बहुत तेज बोलोगे तो वो कैच नहीं करेगा, वो ट्रांसक्राइब नहीं करेगा। आपको एक मॉडरेट पेस में बोलना है, सो दैट कंप्यूटर भी अंडरस्टैंड करे और आपके वर्ड्स क्लियर भी हो, आपको सांस भी ना चढ़े, यू डोंट रन आउट ऑफ ब्रेथ, यू स्पीक क्लियरली एंड यू स्पीक कंफर्टेबली। इन चीजों का ध्यान रखना है। रीड अलाउड में सुपर डुपर इजी टास्क है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। एवरीडे 20 to 25 जरूर प्रैक्टिस करना। अगर रीड अलाउड में प्रॉब्लम आ रही है, मेजोरिटी स्टूडेंट्स को आती है, कई बार मुश्किल हो सकता है, तो एक इसकी स्ट्रैटेजी है पीटी, रीड अलाउड ऑनलाइन स्ट्रैटेजी, वो हर एक बच्चे के लिए काम कर रही है अगर आप उसको सही तरीके से फॉलो करोगे। सही तरीके से फॉलो नहीं करोगे तो स्कोर नहीं आएगा। अगर आपको रीड अलाउड में प्रॉब्लम आ रही है, आप सर्च कर सकते हो लैंग्वेज अकेडमी या फिर पीटी, रीड अलाउड ऑनलाइन स्ट्रैटेजी लैंग्वेज अकेडमी। ध्यान से पूरी वीडियो को देखना फिर ही उसको इम्प्लीमेंट करना, अगर उसको गलत से इम्प्लीमेंट करोगे तो स्कोर नहीं आएगा। तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको वो स्ट्रैटेजी पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जो कि एक नेचुरल सी चीज है बट वो वर्क करती है, मैंने यूज की है, मेरे स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप यूज कर सकते हैं या फुल पढ़ना भी आप यूज कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। प्लीज languageacademy.com.au पे फ्री में अकाउंट बनाओ, फ्री में प्रैक्टिस करो, फ्री में स्कोर देखो, फीडबैक देखो। एग्जाम के लिए जाने से पहले एक फ्री फुल स्कोर मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट नहीं, फुल स्कोर मॉक टेस्ट आपको languageacademy.com.au पे मिलेगा, वो प्लीज कर लेना। आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो और कैसे चीजों को इम्प्रूव करना है। वो जरूर करके जाना, आपको पता लगेगा कि आप एग्जाम एनवायरमेंट में क्या क्या चीजें सही करते हो। लास्ट LAPT एग्जाम प्रैक्टिस ऐप वेरी आउट सून है, हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो वो ऑलरेडी आ गई हो, वो भी डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम लॉगिन डिटेल्स यूज करनी है जो आप वेबसाइट पे यूज करते हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। मैं फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स इंडिया में ही हूँ, अपनी जलंधर ब्रांच, गुरदासपुर ब्रांच, अमृतसर ब्रांच में आऊंगा। कुरुक्षेत्र, सिरसा और श्री गंगानगर ब्रांचेस बहुत जल्दी ओपन हो रही हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए, क्लासेस से रिलेटेड, ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड या फिर किसी भी ब्रांच से रिलेटेड, आप हमें इस नंबर पे कॉल या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट, मेरा एक ही एम है कि आप लोगों के टाइम और पैसा वेस्ट ना हो और आपका स्कोर आए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, एंड आई विल गिव माय 100% टू हेल्प यू आउट। वरुण फ्रॉम लैंग्वेज एकेडमी, आई विल सी यू वेरी सून, टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।